मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने बॉनफायर जलवाया भैया से, तो बॉनफायर जल गया, थोड़ी राहत है यहाँ पे। सुमंदा ने चाय ऑर्डर करी, चाय नहीं कॉफी थी, कॉफी ऑर्डर करी थी और एक पराठा ऑर्डर किया था। पराठा खा के इसका जो रिव्यू था, कैसा रिव्यू था? अच्छा, कॉफी भी काफी, मतलब घर वाली कॉफी, कैसी मशीन वाली, तो कुल मिला के बढ़िया है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या कर रहे हैं हम सुमंदा? मैगी खा रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। बॉन फायर जल रही है इधर, मैगी खाई जा रही है, वो मज़ेदार है एक नंबर। जिन लोगों ने हमें आज ही ज्वाइन किया है उन्हें हम बता दें कि हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो हम आए हैं एक फार्म स्टे में। लास्ट टू एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि कैसे हमने चेक इन किया, कैसे हमने प्रॉपर्टी को विजिट किया, प्रॉपर्टी देखी, और हमारे साथ केक का एक लफड़ा हुआ था, वो आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हो, एपिसोड नंबर 2 में। तो अभी हम खा रहे हैं मैगी, इधर चल रहा है देखो ये पूल साइड, एक उधर लोग इंजॉय कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं, और इधर चल रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी जैसे ये बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होगा हम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। सो करते हैं एंजॉय, आपको भी कराते हैं साथ साथ एंजॉय, अभी तो हाथ कांप रहे हैं। इतना अच्छा माहौल बना हुआ है यार, मजेदार हो रहा है माहौल यहाँ पे। पता है बॉन फायर भी उन्होंने हमसे पूछ के बॉन फायर भी लगाई, और इतना मजा आ रहा है ना बॉन फायर में। अभी अगर आपको डेली लाइफ से थोड़ा सा भी एक चेंज चाहिए, रिलैक्स चाहिए, तो आपको ऐसी कोई जगह फाइंड आउट करके जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत। मैं लिंक दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। ये देखो ये बॉन फायर खुद जला रहे हैं भाई, चांद और बॉन फायर, और लाइट जा चुकी है, मजा आ रहा है, फुल अंधेरा है चांद के नीचे, ओ हो बॉनफायर, हाँ हमें जगह मिल चुकी है। अभी हैप्पी बर्थडे लग रहा है, अभी हैप्पी बर्थडे हटेगा, हैप्पी एनिवर्सरी आएगा। नंदा मैगी खत्म ही नहीं कर पा रही है, बहुत देर से मैगी खाई जा रही है। कितनी मैगी खाई है? जब से खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। वहाँ पे ज्यादा ठंड लग रही थी ना, एक तो वहाँ पे स्विमिंग पूल चल रहा है और ठंड ज्यादा हो रही थी वहाँ पे। अबे ये बंदूक यहीं रह गई, ये बंदूक कोई लेके ही नहीं गया। दिखाओ बंदूक कौन सी है। ये देखो सुनंदा, ये मेरी रिवॉल्वर। सुनंदा और मेरे को ना ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा, तो हम लोग कमरे में आके बैठ गए हैं, वो लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सी तैयारी हो जाती है वो फोन कर देगा, फिर हम जाएंगे वहाँ पे केक वेक लेके, तब एनिवर्सरी मनाएंगे। तुम्हें तो एसी चाहिए था यार, एसी का क्या हुआ? इसे तो एसी चाहिए था भाई, या तो जैकेट पहनूंगा, अभी जैकेट पहन के चलते हैं, फिर बनाते हैं एनिवर्सरी। टाइम हो रहा है 9:30, वहाँ गया बुलाने भैया, आपका सब रेडी है, तब बंद भी करना है, मैं तो जा रहे हैं वहाँ पे, केक ले लेते हैं। हम केक दिखाता हूँ, देखो ये हमने केक के लिए बड़ी मारा मारी हुई है, और ये एल्बम रखी हुई है। मैंने सुनंदा को कहा था कि गिफ्ट करूंगा मैं एनिवर्सरी वाले दिन, तो ये एल्बम आज उसको दूंगा, और ये केक काटते हैं और हैप्पी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं गिफ्ट दे करके। तो भैया तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था मैं उधर, पेटल्स लगे हुए तो हैं, केक तो निकालने अभी। तो ये हैप्पी एनिवर्सरी लग चुका है हमारा, केक तोड़ने में बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, इस केक को यहाँ तक लाने में बहुत लोगों की मेहनत है। ये हमारा केक, वेडिंग एनिवर्सरी केक, बहुत मुश्किल से मिला है भाई, बहुत कोशिश करी, बहुत चीजें करी हमने, तब जाकर के मिला ये केक, बहुत डिलीशियस लग रहा है, इसीलिए मेहनत का फल है ना। हैप्पी एनिवर्सरी, पाव भर का केक है। अब सभी को भी मुबारक एनिवर्सरी। फाइनली 2 साल के बाद, मुझे नहीं पता था 2 साल के बाद मैं यहाँ आऊँगा। तो सुनंदा थैंक यू सो मच, इतना अच्छा, इतना अच्छा अरेंजमेंट करा है। सुनंदा कैसा लगा तुम्हें? अंशुल ने मुझे बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया है, बहुत अच्छा मैनेज तुमने सरप्राइज दिया मुझे। अरे एनिवर्सरी वाला तो तुमने ही कराया, मैंने नहीं कराया था, सच बताऊँ तो मैंने कुछ नहीं कराया था, ये झूठ बोल रही है, इसने कराया था, मेरे को मत करे दो, मैं इन सब मामलों में पीछे हूँ पहले। मैं अंशुल नहीं कराया था, मेरा दिमाग अपने घर में नहीं चलता, दिमाग दूसरे का होता ना कि वहाँ पे दिमाग चल जाता है, घर का भी लंका सॉरी घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब। तो अंशुल ने बहुत अच्छा मैनेज किया, वैसे हमें केक मिल गया टाइम से, केक के लिए अंशुल बहुत दूर गया था, केक तो यार बड़ा लफड़ा हो गया था केक का, तो यार अच्छा चाहिए भाई, आप लोग आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह, आपको लिंक डाल देंगे हम लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और हम लोग जरूर ट्राई करना है। हम लोग रुके हैं टाइनी हाउस में, आप वो टाइनी हाउस दिखाते हैं, सुबह 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 एक्सप्लोर कराएंगे प्रॉपर, के ये मैं हूँ, ये मेरा पति है, और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ये आ गया हमारा खाना, अरे ये तो बहुत भारी है, उठवाओ 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 गिर जाएगा। तो हमने ऑर्डर किया है लच्छा पराठा, ये कढ़ाई पनीर है या शाही पनीर है पता नहीं, ओनियन, और इसे खाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना।
है। ये हमारी सब्जी बची हुई है, गार्लिक नान और मंगाई और रोटी और मंगाई। खाना कैसा सुन रहा? खाना बढ़िया है, सब खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मजेदार मजा मजा आता है। हैप्पी एनिवर्सरी देख लो भाई, हैप्पी एनिवर्सरी। बारिश पड़ रही है सुनंदा, और हम इस हट के नीचे तो हमें महसूस नहीं हो रही बारिश। ये आ गई हमारी गार्लिक नान, मैंने ले लिया रोटी और सुनंदा ले लिया गार्लिक नान, खाते हैं चलते हैं फटाफट। टाइम आ गया ये एल्बम गिफ्ट देने का, एल्बम गिफ्ट देते हैं और सुनंदा का रिएक्शन देखते हैं। सुनो सुनंदा, सो गए क्या? शादी के एल्बम में जो मैं आज दे रहा हूँ सुनंदा को, इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। कितने दिनों से बोल रखा था इसने मुझे एल्बम दो एल्बम दो एल्बम दो। ये मेरी शादी की है और 2 साल के बाद दो साल के बाद दो एल्बम मिली है। मजा आया ना? ये दूसरी भी खोलो, खोलो दूसरी भी खोलो, देखो। यस, 2000 सेकंड एल्बम, दो एल्बम इसमें क्या है पता नहीं, देखो। ओह वाओ, ये रिंकी है, ये रिंकी मतलब सॉरी रिंकी नहीं है, रिंकी नाम नहीं, ये वेडिंग की है, ये रिंग सेरेमनी की है। वैसे मैं रिंकी बोल रहा हूँ, रिंकी नाम आ रहा है, रिंकी की है नहीं, रिंकी की नहीं है भाई। देखो देखो ये है, देखो देखो खोलो खोलो, फाइनली 2 साल के बाद मजा आ गया। 2 साल के बाद यार, मतलब एक तरफ और एल्बम मिलने की खुशी। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग विद योर मोस्ट प्रेशियस मेमोरी 2 साल के बाद। यस, क्या जबरदस्त पिक्चर्स आई हुई है ना, वाह वाह वाह। आगे करो, नेक्स्ट पेज, पतले लग रहे हो उस टाइम, नेक्स्ट पेज करो। ओए होए, ओए होए, ओए होए। यार मतलब मैं इस एल्बम के चक्कर में अंशुल से इतना लड़ी हूँ, मतलब मैंने इतनी बार बोला अंशुल को कि यार दे दो मुझे नंबर, दे दो मैं बात कर लेती हूँ। कहा भाई एल्बम क्यों नहीं बन रही है, क्या हो गया, हम नई एल्बम बनवा लेते हैं, काम करते हैं, जो फोटोज हमारे पास पड़ी हम प्रिंट में दे देते हैं। हर बार अंशुल बोले आ जाएगी आ जाएगी, अरे 2 साल हो गए कब आएगी, एक फाइनल आंसर नहीं था, आ जाएगी बस आ जाएगी। और आज आ गई तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देख के। ये वाली फोटो प्रिंट करा सकते हैं, बड़ी वाली मस्त लग रही है, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली फोटो इसको हम ना फ्रेम करा लेंगे और अपने बेड के पीछे लगाएंगे इसको, बेड के पीछे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी आ रही पिक्चर। ओहो ये कौन है भाई, ये कौन है, देख लो भाई देख लो, ये कौन है भाई। रात के टाइम हो रहा है 11:48 और मैं बैठ के अपनी कर रहा हूँ एडिटिंग, लेकिन ये जो हमारे बाकी के गेस्ट हैं ये एडिटिंग नहीं करने दे रहे, बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। मजा आ गया। अरे दूसरों को भी तो मजा आ रहा है भाई, उनको भी तो आराम करने दो। हमारे कपड़े भी आ गए, हमारा लगेज भी आ गया, हमारा सामान भी आ गया है, हम लोग भी फिट हो गए हैं और अभी भी स्पेस है इस कॉटेज में, एक दो लोग आ सकते हैं, मतलब 3 लोग इसमें आराम से आ सकते हैं विद लगेज, मतलब 3-4 लोगों का लगेज आ जाएगा इसमें, स्पेस भी है, अच्छी चॉइस है। मतलब अगर आप कॉटेज लेती है, टिन हाउस लेते हैं, तो आप लोग इजीली फिट हो सकते हैं। टाइम हो रहा है 1:50, हम दोनों आ चुके हैं रजाई के अंदर, कपड़े हमने अपने टांग दिए, एक मच्छर है बहुत देर से परेशान कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सामने ही नहीं आ रहा, यहाँ पे वो लगा दी हमने चार्जिंग पे, और अब सोते हैं, फिरते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल।